हेलो दोस्तों, आपका हमारे अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में ब्लूटूथ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं अपने कंप्यूटर में दिखा देता हूं कि मैं जब ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट कर रहा हूं तो ये शो नहीं कर रही है। तो गाइज ये देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेता हूँ और इसके बाद में गाइज हम इसे यहाँ से बंद कर देंगे और मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करोगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आपको रन पे जाना है गाइज और यहाँ पे जाके msdt /id/bluetooth-diagnostic टाइप कर देना है गाइज। msdt/id/bluetooth-diagnostic और गाइज यहाँ पे इस टाइप का आपको ब्लूटूथ ट्रबल शूटर का विजार्ड ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पे एडवांस पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। इस टाइप से गाइज ये टूल चलेगा। इस टूल के फिनिश होने पर हमें क्या करना पड़ेगा, रन पे हमें दोबारा से जाना है, services.msc ओपन करना है। ओके पे क्लिक किया तो आपके सामने सर्विस मैनेजमेंट कंसोल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको ब्लूटूथ की सर्विसेज का स्टेटस चेक करना है और अगर कोई ब्लूटूथ की सर्विस यहाँ पे डिसेबल है तो आपको उसे इनेबल कर देना है। गाइज आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये सब ब्लूटूथ की सर्विसेज जो होती है ये मैनुअल ट्रिगर्ड स्टेट पे सेट होती हैं। गाइज आपको इसकी स्टेट चेक करने के बाद में services.msc को बंद कर देना है और गाइज आपको यहाँ पे अपने कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करना है। मैं यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट करके वापस आया हूँ और दोबारा से अपने कंप्यूटर पे ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। एड डिवाइस पे क्लिक किया है तो ब्लूटूथ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें ब्लूटूथ डिवाइसेस शो होनी चाहिए। दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि मेरे कंप्यूटर पे अब ब्लूटूथ की डिवाइसेस शो कर रही हैं जिन्हें मैं यहां से कनेक्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी टाइप के टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे अनुराग लैब 3M यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका अपना दोस्त अनुराग पांडे, धन्यवाद।